सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए वीडियो में। आज मैं हकमा पे एंड यहाँ पर एक प्रोग्राम है जो मुझे इनवाइट किया गया है एंड ये प्रोग्राम है रॉबिन हुड आर्मी ब्लासिब्रा, जो है एक इंटरनेशनल एनजीओ है, आपको पता ही होगा। वो लोग का यहाँ पर सेकेंड ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में एक जो उनका मेंबर है, मेंबर का बर्थडे है, तो वो लोग बर्थडे एंड एनिवर्सरी एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कुछ बुक्स, पेंस, इरेजर एंड के स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड हाँ, जो जो चैनल पर नया है प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं शुरू। और फ्रेंड्स, और एक बात है, यहाँ का जो ये एनजीओ है ये टोटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड भी अगर कुछ डोनेशन वगैरह करना चाहते हो तो इस जो एनजीओ है, एनजीओ का फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप यहाँ पर इस फ़ोन नंबर को आप कॉल कर सकते हैं। अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम करते हैं फॉलो। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, 'cause we already lie, addicted to the rush, I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. We just mess it up, 'cause we already lied, addicted to the rush, I never meant to fall, all I wanted was a touch, 'cause we already lied. कुछ पैकेट लंच भी यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, पैकेट लंच भी अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साथ में कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स भी हैं एंड किड्स आर वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस। टाटा टाटा, हाय टाटा टाटा दिया टाटा। सो उनको कॉपी, पेंसिल, इरेजर दिया गया है, साथ में पैकेट लंच एंड बेकरी का कुछ पेस्ट्री भी दिया गया है उनको। तो फ्रेंड्स, आपने ये प्रोग्राम देखा होगा, मैंने पूरा कवर किया, एक बहुत ही अच्छा वेल इनिशिएटिव नोबल कॉज है। तो मैं, मेरे साथ मेंबर्स है पीछे सारे मेंबर्स रॉबिन हुड आर्मी का, तो मैं रॉबिन हुड आर्मी का थोड़ा उनका जो इथिक्स है वो मैं आपको बोलने के लिए मैं कहूँगा, इनको बोलने के लिए जो इथिक्स है वो जस्ट एक्सप्लेन करेगा। सो क्या आप कह सकते हैं एक्चुअली आपका इथिक्स क्या है, मतलब आप एक्चुअली रॉबिन हुड आर्मी करते क्या है? एक्चुअली रॉबिन हुड आर्मी एक जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एनजीओ है और हम लोगों का मतलब मुख्य जो उद्देश्य है, जो तो मेन पर्पस है, वो है कि हम लोग जीरो फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है और काइंड में हम लोग डोनेशन लेते हैं और उस डोनेशन को हम जो लोग हमें जो नीडी पीपल हैं हमारे सोसाइटी में उनमें बांट देते हैं। और उसके अलावा हम लोग और भी काम करते हैं, जैसे कि एकेडमी ड्राइव्स, जो इस्लाम एरियाज़ के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम एडुकेशन प्रोवाइड करते हैं। वीकली एक दिन हम लोग उन बच्चों के पास जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, क्या नीड्स हैं उन लोगों का वो समझते हैं, फिर उसके मुताबिक हम लोग सामान कलेक्ट करते हैं किसी और से, मतलब जो सामान डोनेट करना चाहते हैं उन लोगों से सामान कलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद उन बच्चों को हम लोग वो सामान प्रोवाइड करते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग हमारे जो फूड ड्राइव होते हैं उसमें भी हम उसी तरह करते हैं, सामान कलेक्ट करते हैं और जिस एरिया में जिन लोगों को उन सामान की ज़रूरत हो उनमें बांट देते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है। और कोविड के दौरान हम लोग कोविड वैक्सीनेशन का भी ड्राइव किए थे और जिस टाइम पे बाढ़ आया था, इस साल तो बहुत बड़ा बाढ़ आया था हमारे आसाम में, उस टाइम पे भी हम लोगों ने जितना हो सकता है उतना ट्राई किया कि उन लोगों तक सामान पहुँचा सके। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई बंदा आपके यहाँ रॉबिन हुड आर्मी ब्लासिब्रा में डोनेट करना चाहता है तो एक्चुअली वो कैसे करेंगे?
एक्चुअली डोनेट करना चाहते हो तो उनको काइंड के थ्रू, मतलब सामान के थ्रू डोनेट करना पड़ेगा, जो भी वो देना चाहते हैं, खाने के आइटम्स हो या फिर स्टडी मटेरियल्स हो या फिर कपड़े हो, कुछ भी जो वो देना चाहते हैं वो काइंड के थ्रू दे सकते हैं। उसके लिए हमारे जो सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आर के सरकार और एच जे शर्मा, उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और हमारे जो रॉबिन होडर में बिलासीपाड़ा का ग्रुप है उसमें भी फेसबुक में डाला हुआ है सब कुछ। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 300 सिटीज में ये काम कर रहे हैं और 10 कंट्रीज में। ओके, थैंक यू। मैं अपने चैनल की तरफ इन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि बिकॉज पैसा तो सबके पास है, लेकिन जो हेल्प करने का जो मोटिव है, जो इनिशिएटिव है, वो सबके पास नहीं होता है, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर बंदे में ही होगा। तो अगर आप भी इसमें कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मैं फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप फ़ोन उठाइए, घुमाइए और डोनेट कीजिए काइंड, मतलब सामान के थ्रू या फूड के थ्रू जी, वो कैश एक्सेप्ट नहीं करते। सो थैंक यू ऑल, विश यू ए वेरी गुड लक अहेड। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं और एक बात बोलना चाहूँगी कि कोई अगर हमारे रॉबिन होड आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं बिलासीपाड़ा में, तो एकदम बेझिझक आके ज्वाइन कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं, काम के बाद जितना टाइम मिलता है उसमें आके हम लोग सोसाइटी को सर्व करते हैं। अगर हमारे टीम में मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कवर कर पाएंगे, ये हमारा पर्पस है। प्रोसेस क्या है ज्वाइनिंग करने का? ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस एक वेबसाइट विजिट करके आप कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा रॉबिन हुड आर्मी का, वो इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट नंबर है, उस नंबर के थ्रू भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सारा आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू मिल जाएगा सबको। थैंक यू, विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच। सो एनिवर्सरी के साथ इस बंदे का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अभिजीत। बहुत दिनों बाद मिलते हो। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost. Addicted to the rush, I never meant to fall.